न्यूज इन इंडिया से मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। विनोद शर्मा की रिपोर्ट। मंगलवार को आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष जितेंद्र शाही के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान सांसद एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव बालियान से उनके आवास पर मुलाकात की तथा शिक्षा मित्रों के संबंध में गहनता से चर्चा परिचर्चा की। भाजपा सांसद संजीव बालियान ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर शिक्षा मित्रों की समस्या से अवगत कराया और प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि शिक्षा मित्रों के हित को सुरक्षित करने के लिए और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए मैं खुद पैरवी करूंगा। उन्होंने कहा कि कोई भी शिक्षा मित्र किसी तरह का कोई गलत कदम न उठाए। हमारी सरकार शिक्षा मित्रों की समस्या के संबंध में चिंतन मंथन कर रही है। भारत सरकार शिक्षा मित्रों के लिए उचित कार्य करेगी और उनका सम्मान सुरक्षित करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो माननीय सांसद घर से अपनी समस्याओं पूछ रहे हैं, उस समस्या के कड़ी में आज के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी से शिक्षा मित्रों के संबंध में मांग पत्र भी दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय सांसद जी को, उन्होंने त्वरित कार्रवाई कर पत्रक सीएम और पीएम साहब को लिखने का काम किया है। यह आश्वासन भी दिए हैं कि शिक्षा मित्र की लड़ाई मेरी लड़ाई है और शिक्षा मित्र की भविष्य की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। इस नाते सभी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से अपील करना चाहता हूं कि आप एक कड़ी हो, संघर्ष हो चाहे सम्मान हो, उसके लिए तैयार रहना। जितेंद्र शाही आपके आगे रहेगा, सम्मान वापस करा के रहेगा। जय शिक्षक, जय शिक्षा में समाज।